फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाई पाई इंटू एन प्लस वन कॉस इनवर्स 1 बाई एन माइनस एन। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर हम यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखते हैं तो एन के प्लेस पर 1 बाई एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 बाई पाई 1 बाई एच प्लस वन कॉस इनवर्स एच माइनस 1 बाई एच, इतना होगा। ये हम लोग n के प्लेस पर 1 बाई एच रख दिए और h टेंस टू जीरो हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा पाई एच, यहाँ होगा कितना 2 इंटू 1 प्लस एच कॉस इनवर्स एच माइनस पाई, इतना होगा। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंस टू जीरो लिखते हैं और ये 2 इंटू 1 प्लस एच है तो 2 प्लस 2h हो जाएगा ना, और h का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये कितना होगा कॉस जीरो पाई बाई टू, और ये होगा 2 इंटू पाई बाई टू पाई, पाई माइनस पाई 0 बाई 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे LH रूल लगाते हैं। LH रूल क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो 2 प्लस 2h है ना, 2 प्लस 2h, और एक कॉस इनवर्स h है, तो इसको हम लोग u इंटू वी से प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले 2 प्लस 2h है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं 2 प्लस 2h, और कॉस इनवर्स h का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस h स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब कॉस इनवर्स h ये रखते हैं और 2 प्लस 2h का डिफ्रेंशिएशन होगा 2, और माइनस पाई का 0, और डिवाइड में पाई h का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, पाई होगा ना। ठीक है, अब हम लोग h का वैल्यू जो लिमिट है वो रखते हैं 0, जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू माइनस 1 बाई 1, तो माइनस 2 बचा ना, और प्लस यहाँ देखो 2 इंटू कॉस इनवर्स 0 है ना, तो कॉस इनवर्स 0 होता है पाई बाई 2 और डिवाइड में है पाई, ये 2 और 2 कट गया तो आंसर आ गया पाई माइनस 2 बाई पाई, मतलब 1 माइनस 2 बाई पाई, ये होगा आंसर 1 माइनस 2 बाई पाई।